नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका भारतवर्ष के नंबर वन बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ विपिन चौबे और मेरे साथ मेरी सहयोगी प्रतिमा मिश्रा भी इस बुलेटिन में लगातार रहेंगी मौजूद। और देखिए, हमास करेगा सरेंडर, ये सबसे बड़ा सवाल आज की तारीख में पैदा हो चुका है क्योंकि जंग आज 18वें दिन में प्रवेश कर चुकी है। एक आस जगी कि काफी तादाद में बंधक छूट जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो क्या बात बिगड़ गई? वॉर जोन से आपको एक्सक्लूसिव खबर दिखाएंगे और बताएंगे कि इस बीच जंग के मैदान से कई बड़ी खबरें आई हैं जिनसे आपको वाकिफ कराएंगे, जिनसे जुड़े अहम सवालों के जवाब 60 सेकंड में एक्सपर्ट आपको देंगे। बिल्कुल विपिन, सवाल देख लेते हैं वो कौन कौन से हैं जिनके जवाब तलाशने की कोशिश आज की जाएगी। पहला सवाल, गाजा में 5000 से ज्यादा मौतें हो गई हैं, क्या इसके बाद हमले तेज होंगे? दूसरा सवाल आपके सामने ये होगा कि इजराइल में मैक्रो पश्चिमी देश वर्सेस हमास में जंग। और तीसरा सवाल, अब तक 4 बंधक रिहा, 220 कब होंगे आजाद? चौथा सवाल ये कि ग्राउंड ऑपरेशन पर अमेरिका को भरोसा क्यों नहीं है, क्योंकि इसकी शुरुआत अब तक नहीं हो सकी है। पांचवा सवाल, लेबनान बॉर्डर पर घमासान, क्या नया वॉर फ्रंट खुलेगा? इन सभी सवालों के जवाब तलाशेंगे, युद्ध के मैदान से ग्राउंड रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे। लेकिन शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां पर इमैनुअल मैक्रो फ्रांस के राष्ट्रपति इजराइल पहुंच चुके हैं और उन्होंने बड़ा बयान दे दिया है। फ्रांस इजराइल के साथ खड़ा है, ये उनकी तरफ से कहा गया। 7 अक्टूबर का हमला दुनिया के लिए सदमा है, बिना भेदभाव सभी बंधकों की रिहाई हो, इजराइल की मदद के लिए हर संभव कदम उठाएंगे, ये भी उनकी ओर से कहा गया। तो इमैनुअल मैक्रो इस वक्त, बता दें आपको, इजराइल के दौरे पर है। इजराइल वो पहुंच चुके हैं और इस दौरान उन्होंने इजराइल के राष्ट्रपति से भी मुलाकात की है और इस दौरान ये भी साफ कर दिया है कि बिना किसी भेदभाव के जितने भी बंधक हैं उनकी रिहाई होनी चाहिए। और इस वक्त तमाम बड़े देशों की प्राथमिकता यही है कि हमास के कब्जे में जितने बंधक हैं सबसे पहले उन्हें छुड़ाया जाए। और इजराइल पहुंचे हैं मैक्रो, जहां पर सबसे पहले उन्होंने उन फ्रांसीसी नागरिकों से मुलाकात की जो इससे पीड़ित रहे हैं, जो बंधकों के परिवार हैं, जो घायल हुए थे। और इसके बाद प्रेसिडेंट से उन्होंने मुलाकात की इजराइल के, और ये कहा कि ये हमला सिर्फ इजराइल पर नहीं है बल्कि पूरी दुनिया पर है और इस हमले से पूरी दुनिया चकित है। साथ में ये भी कहा कि इजराइल की सुरक्षा के लिए हर जरूरी कदम हम उठाएंगे और इस मुश्किल की घड़ी में, युद्ध की घड़ी में, पूरे इजराइल के साथ, दुनिया के तमाम बड़े मुल्कों के साथ साथ फ्रांस भी खड़ा है। तेल अवीव में यह मुलाकात, और यह भी मांग की कि सभी बंधकों की बिना भेदभाव रिहाई हो। लोगों को बंधक बनाना जघन्य अपराध है और इसके लिए साफ तौर से हमास को उन्होंने जिम्मेदार ठहराया और यह हमला मानवता पर उन्होंने बड़ा हमला बताया है। वहीं आपको बता दें कि आज फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो इजराइल पहुंच रहे हैं। इससे पहले बाइडेन, जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कूल्स, ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक, इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी और ग्रीस और नीदरलैंड्स के पीएम भी इजराइल का दौरा कर चुके हैं। इन सभी नेताओं ने इजराइल का पुरजोर समर्थन किया है, खुले तौर पर साथ देने की बात कही है कि हर कदम पर हम आपके साथ खड़े हैं, और सॉलिडारिटी दिखाते हुए, सपोर्ट दिखाते हुए तमाम नेता इजराइल का दौरा भी कर रहे हैं। तो अब 60 सेकंड में एक्सपर्ट से समझते हैं कि इजराइल में मैक्रो पश्चिमी देश वर्सेस हमास में जंग को लेकर किस तरीके के हालात है। और हमारे साथ बेहद खास मेहमान भी लगातार बने हुए, बता दूं इंट्रोडक्शन उनका मैं कर देती हूं। मेजर जनरल रिटायर्ड राजन कोचर सर एज डिफेंस एक्सपर्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इसके अलावा निनाद सेठ है एज डिफेंस जर्नलिस्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं, और एयर कॉमोडोर SP सिंह सर है डिफेंस एनालिस्ट, वो भी हमारे साथ है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, एक एक कर हम आपका रुख करेंगे। विपिन जी, बिल्कुल राजन कोचर सर, सबसे पहला सवाल आपसे कि तमाम बड़े मुल्कों के राष्ट्राध्यक्ष इजराइल की धरती पर पहुंच रहे हैं, अपनी एक तरह से समर्थन दे रहे हैं और इस हमले को दुनिया पर किया गया हमला बता रहे हैं, मानवता पर बड़ा हमला है, कैसे देखते हैं आप? और इस तरह की मुलाकातों के बाद क्या कुछ होने की संभावना बढ़ जाती है? देखिए बिना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि जितने भी वेस्टर्न नेशंस हैं और स्पेशली ये जो सुपर पावर्स है, फ्रांस हो गया, अमेरिका हो गया और ये और ग्रेट ब्रिटेन हो गया, ये अगर इनके हेड ऑफ स्टेट्स अगर आते इसराइल में तो एक डायरेक्ट मैसेज इस्लामिक कंट्रीज को भी जाता है कि हम इसराइल के साथ हैं। आप चाहे बेशक इकट्ठे होके इसराइल की निंदा कर सकते हैं, पर हम
जो घड़ी से इसराइल गुजर रहा है हम इसके बिल्कुल साथ हैं। तो एक एक स्ट्रॉन्ग मैसेज ईरान को भी जा रहा है, बिकॉज ईरान से भी काफ़ी स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि अगर ग्राउंड ऑफेंसिव होगा तो हम भी इस लड़ाई में शामिल होंगे। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि पूरा वर्ल्ड का जो जियोपॉलिटिक्स है अभी दो खेमों में बदलता नज़र आ रहा है। हमने यूक्रेन की लड़ाई में भी देखा था कि इस डिफरेंशिएशन को हमको जो सामने आई थी, और आज भी हम ये देख रहे हैं। अच्छा तरीका है कि 60 सेकंड में राजन कोचर सर ने आपको समझा दिया किस तरीके की स्थिति है और आगे क्या संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही है।